नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सात हलाक करने वाली चीजों से बचना, अगर इनमें तुम चले गए तो हलाक हो जाओ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के साथ शरीक ना करना, हलाक हो जाओ। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जादू ना करना, हलाक हो जाओगे, हलाक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर पर फरमाया जिस शख्स के कत्ल करने को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसे कत्ल ना करना, हलाक हो जाओ। चौथे नंबर पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद ना कभी भी खाना, हलाक हो जाओगे, हलाक। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवें नंबर पे फरमाया यतीम का माल ना खाना, हलाक हो जाओगे। फिर छठे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुफर से जहाद हो रहा हो तो कभी पीठ फेर के भागना ना, हलाक हो जाओगे। और सातवें नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेकसूर और बेगुनाह औरत पर तोहमत न लगाना।